कैसा इंडिया, बिना कांग्रेस का कौन सा इंडिया, कौन सा दल, ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया है? नीतीश कुमार को सहज किसने किया? केंद्र स्तर पर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तैयारी किसने शुरू की? पहली कुर्बानी किसने दी? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने। और अब कांग्रेस को बिहार में अपमानित किया जा रहा है, ये उसके अध्यक्ष कह रहे हैं। ब्राह्मण कोटे से कौन बनेगा, भूमिहार कोटे से कौन बनेगा, ये कांग्रेस तय करेगी। उसी तरीके से राजपूत कोटे के नाम पर भी हम चिंतन मनन करें। देखिए, नीतीश कुमार कायदे से चाहते हैं कि कांग्रेस जो मांगती है उसको दे दो। अरे, दो मंत्रिमंडल अगर कांग्रेस बिहार में बढ़ा लेती है और अपने मर्जी से लोगों को उसमें मंत्री बना लेती है तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? कांग्रेस निश्चित तौर पर इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी की वजह से ये सारे दल एकजुट भी हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बिहार में सबसे छोटी भाई है, ये राजद और नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट है ताकि वो उसके साथ न्याय करे, अपमानजनक बात न करे। अफ्रीका में कहावत है, द एक्स फॉरगेट्स बट द ट्री रिमेंबर्स। कुल्हाड़ी अक्सर भूल जाती है कि उसने कहाँ वार किया था, किस जगह वार किया था, इतने वार जो करने हैं, लेकिन पेड़ को याद रहता है कि कुल्हाड़ी ने, इसी कुल्हाड़ी ने हमला किया था। देखिए, बड़ा मुश्किल है इसे आसानी से समझ पाना कि बिहार में चल क्या रहा है। आसान होता तो रोज़ रोज़ मुझे आना नहीं पड़ता, एक दिन में लिख कर चला जाता, आप रोज़ उसको पढ़ लेते। बदलता है ना, बहुत तेज़ी से बदलता है बिहार का राजनीति, रोज़ कुछ ना कुछ नया उसमें जुड़ जाता है, पुराना एक पेज खुल जाता है। जब पेज खुलता है तो हम ब्रेकिंग लेके आते हैं कि देखिए एक पेज खुला है, जब कोई नया पन्ना जुड़ता है तो हम उसे विश्लेषण करके समझाते हैं। लेकिन ये भयंकर खबर है, इसमें वो संभावनाएं बताई जाती हैं जिसकी वजह से कुछ भयंकरता आती है। देखिए, वैसे भी बिहार का राजनीति भयंकर ही रहता है, लेकिन किसी किसी खास वक्त में ये ज़्यादा भयंकर हो जाता है, जैसे कि अभी इस वक्त भयंकर चल रहा है राजनीति। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं उसी वक्त कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है। राजद ये सोच रही है कि वो कहाँ फंस गई है, नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अब आगे किस रणनीति के साथ बढ़ा जाए। सब कुएं और खाई के बीच में फंसे हुए हैं। क्या है पूरा मामला समझिए। बिहार में 24 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था, मैं कहूँगा तो विश्वास नहीं कीजिएगा, जाइए छान मारिए अपने फेवरेट पोसुआ अखबार, अपने फेवरेट तोता टीवी और जो आपको पसंद हो डिजिटल चैनल, उस पर जाकर खबर देख लीजिए। 24 को लेकर सभी ने अपने सूट सिला रखे थे, नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ, क्योंकि पंचनामा में मैंने कह दिया था इतना क्रेडिट नहीं लेंगे। लेकिन संभावना हमने तय थी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार भी पूर्व की तरह अटक जाएगा, आने वाले समय में 2-3 दिनों में पेच खुल भी सकता है। लेकिन फंसा कहाँ है, क्यों आखिर इस पेच में लग रहा है कि सुलझाने में बड़े बड़े रिंच फेल कर जा रहे हैं। एक जगह फंसा हो तब ना। देखिए, नीतीश कुमार कायदे से चाहते हैं कि कांग्रेस जो मांगती है उसको दे दो। अरे, दो मंत्रिमंडल अगर कांग्रेस बिहार में बढ़ा लेती है और अपने मर्जी से लोगों को उसमें मंत्री बना लेती है तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, कौन है होगा कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, बेंगलोर, पटना और अब मुंबई, इन तीन जगहों पर बैठक की संभावनाएं बनाई गई थी। पटना हो गया, बेंगलोर हो गया, दोनों जगह नीतीश की नाराजगी की खबर आई, दोनों जगह विपक्ष उस कॉन्फिडेंस के साथ एकजुट होकर मैसेज नहीं दे पाया कि हम एक साथ हैं और हम मोदी को हराएंगे। अब बची बात मुंबई की, कांग्रेस ने पटना से बेंगलोर जाते जाते इस पूरे कारवां को हाईजैक कर लिया। अक्सर विराट कोहली के 100 रन की चर्चा ज़्यादा होती है, कोई और नया खिलाड़ी 200 रन मार दे तो उसकी चर्चा कम होती है, ये ट्रैक रिकॉर्ड और जो एक डोमिनेंस है उसकी वजह से होता है। कांग्रेस निश्चित तौर पर इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी की वजह से ये सारे दल एकजुट भी हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बिहार में सबसे छोटी भाई है, ये राजद और नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट है ताकि वो उसके साथ न्याय करे, अपमानजनक बात न करे। अब मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये ऑडियो सुन लीजिए, इस काले स्क्रीन को देखिए और इस ऑडियो को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कौन व्यक्ति है, क्या कह रहा है। वीडियो एडिटर जी, इस पे एक तस्वीर भी लगा दीजिए नेताजी की, जो ये बात बोल रहे हैं कि गठबंधन में हम अपमानित होकर भी काम करने वाले नहीं हैं, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। हम सबको हमारी संस्कृति और विरासत रही है कि हम सबको इज्जत सम्मान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे।
गठबंधन के जो भी नेता हैं, हम सबका उतना ही आदर करते हैं जितना हम अपने नेताओं का करते हैं, लेकिन उनको भी उसी नजरिए से हमको देखना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, आपका अपना पार्टी है, मेरा अपना पार्टी है, उसमें कोई बात नहीं। अगर नहीं सूट करता है तो अलग रास्ता, उससे भी हम बाज नहीं आने वाले हैं। अखिलेश सिंह है, कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष हैं, सिवान पहुंचे थे। उन्होंने कह दिया कि अपमान का घूंट पीकर किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। अब किस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे? एनडीए थोड़ी जाएंगे। इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, और बिहार में नहीं रहेंगे तो केंद्र में कैसा इंडिया? कैसा इंडिया बिना कांग्रेस का? कौन सा इंडिया, कौन सा दल? ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया है? नीतीश कुमार को सहज किसने किया? केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तैयारी किसने शुरू की? पहली कुर्बानी किसने दी? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने। और अब कांग्रेस को बिहार में अपमानित किया जा रहा है, ये उसके अध्यक्ष कह रहे हैं। वो कहे तब भी मत मानिए, हम कहें तब भी मत मानिए, मानिए फैक्ट्स को। आपको पता है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में पेज क्या फंसा हुआ था? नहीं पता तो जान लीजिए, कल का पंचनामा देखिए, शॉर्टकट में यहां जान लीजिए। देखिए, कांग्रेस के पूर्व में दो मंत्री हैं, दो और मंत्री बढ़ाने हैं, नीतीश भी इसको लेकर रजा जी हैं। कांग्रेस के पूर्व के दो मंत्री नीतीश और लालू यादव के कहने की वजह से सवर्ण समाज के नहीं बने थे, क्योंकि उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी सवर्ण थे और सीएलपी लीडर भी सवर्ण थे, भूमिहार और ब्राह्मण। अब भूमिहार तो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, लेकिन सीएलपी लीडर उनके मुस्लिम हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो राजपूत समाज के एक नेता आनंद शंकर को आगे बढ़ाए और भूमिहार समाज या महिला समाज से ही नीतू सिंह को जगह दे दे। कायदे से तो उसमें मदन मोहन झा का भी नाम आ रहा है, उन्हें भी चूंकि अध्यक्ष पद से हटे हैं तो उन्हें भी एक जगह सेट करना था, 15 में वो भी मंत्री रहे हैं। विवाद इन सब पर नहीं है, विवाद है आनंद शंकर के नाम पर। आनंद शंकर के नाम पर तेजस्वी यादव ने विवाद कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नाम चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे चेतन आनंद को बनाना है। चेतन आनंद कौन? आनंद मोहन के बेटे और राजद के MLA। उन्हें बनाकर सारे राजपूतों का वोट राजद अपने पाले में करने की तैयारी कर रही है। जब राजद इंक्लूडेड कहती है तो उसमें ब्राह्मण भूमिहार इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वो राजपूतों को जोड़कर चलती है। भूमिहारों को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति बनाई थी, लेकिन उसमें बहुत सफल नहीं रहे। एडी सिंह याद है आपको, बंटू सिंह याद है आपको, कार्तिक मास्टर याद है आपको, अनंत सिंह याद है आपको। इन नामों को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि एक सर्टेन समीकरण पर काम करती है राजद एक वक्त में। अब राजपूत समाज के नेता को तो राजद ही बनाएगी, और अगर कांग्रेस बनाएगी तो इससे आनंद मोहन वाला जो मैसेज देना चाहती है राजद, वो सटीक नहीं बैठ पाएगा। नाम काट दिया गया, कांग्रेस ने इस पर मंथन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि अगर नाम काट दिया गया हमारा भेजा हुआ तो हम उस पर चिंतन करेंगे, तुरंत आप नाम सुझाएंगे नहीं पिछली बार की तरह। ब्राह्मण कोटे से कौन बनेगा, भूमिहार कोटे से कौन बनेगा, ये कांग्रेस तय करेगी। उसी तरीके से राजपूत कोटे के नाम पर भी हम चिंतन मनन करेंगे। अब जहां एक तरफ राजद इस पर चिंतन कर रही है कि कैसे इस ऊंट को बिठाया जाए करवट पे, नीतीश फंस गए हैं राजद और कांग्रेस के बीच में। इसी का मौका का फायदा उठाते हुए नीतू सिंह, जो कि एक महिला MLA हैं कांग्रेस की, उन्होंने नीतीश कुमार को यह मैसेज दे दिया है कि आप हमें बनाइए मंत्री, लेकिन भूमिहार समाज से आती हैं, पेच फंस जाता है। यहां भी अगर फिर से नीतू सिंह को बनाया जाता है मंत्री तो मदन मोहन जाकर कटेगा, और फिर नाम दूसरा जो आएगा वो फिर आनंद शंकर का आएगा, पेच फंस जाता है। इसीलिए कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष ने कहा अपमान सहकर इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर होती है या इस तेवर से बात करते हैं अखिलेश सिंह, तो दो बड़ी चीजें होती हैं। एक, तेजस्वी का गणित गड़बड़ाता है, जो गणित राजपूतों और भूमिहारों के आसपास लेकर वो चल रहे हैं वो गड़बड़ाता है। दूसरा, सबसे बड़ा चीज जो भयंकर खबर है, नीतीश का सपना चकनाचूर हो जाता है। देश की सबसे सर्वोच्च गद्दी पर बैठने का, मोदी को उस गद्दी से उतारने का, देशव्यापी गठबंधन बनाने का, नीतीश का सपना कांग्रेस के हाथों राजद की वजह से दराशाही हो जाता है। अगली खबरों में मुलाकात करते हैं जल्दी, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।